सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस प्रोडक्ट में आपको कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, सो डैट आपको प्रोडक्ट को बाई करने के बाद फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, सो सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। सो, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। और एक आपको अमेजिंग का मैजिक भी देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस प्रोजेक्टर का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, तो ये प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक स्पेशली इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी कैसी होने वाली है, आपको पिक्चर्स की क्वालिटी कैसी क्या देखने को मिल जाएगी, और इसके इसका वॉइस का आउटपुट कैसा है, आवाज़ कैसी होगी, और आपको इसमें कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप एक प्रोजेक्टर ट्रेनिंग देने के लिए बाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना चाहते हो उसके लिए बाई कर रहे हो, या फिर आप मूवी वॉच करना चाहते हो, या फिर आपका कोई अदर रीजन हो सकता है, तो ये आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, और आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, सो डैट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, बिल्कुल फ्री में है। तो ये प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, ये HD का प्रोजेक्टर होने वाला है, वाईफाई भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब भी आपको इसी में इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा, और 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, और प्रोजेक्टर का लुक इतना बैड नहीं है फ्रेंड्स। ये देखो, कुछ ऐसा प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो जो आप हर एक प्रोजेक्टर में कर सकते हो, स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हो अपने लैपटॉप से, फ़ोन से, टैबलेट से, आईफोन से, तो जिससे भी आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स, काफ़ी बेस्ट ये होने वाला है। बात करें इसके वेट की तो 100 ग्राम 1 kg में कम है ये, 900 ग्राम का ये प्रोजेक्टर होने वाला है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसमें, आप अपना मेमोरी कार्ड TF कार्ड लगा के भी कुछ भी वॉच करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो इसकी MRP कितनी है, इसका मॉडल नेम क्या है, तो इसका जो फ्रेंड्स मॉडल नेम है सोपेक्सो T4UC68 वाईफाई LED HD 1024 पिक्सल प्रोजेक्टर। तो ये इसका मॉडल है, मैं आप कह सकते हो सोपेक्सो T4, आप जस्ट इतना ही कह सकते हो। इसमें 4000 IM का आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, एक स्पीकर भी आपको इसी में इनबिल्ट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बेस्ट होने वाला है। अब बात करें इसकी MRP की, तो इसकी MRP ज़्यादा लो नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं है, और ये कोई फिक्स MRP भी नहीं है, 5,979 रुपये आपको देखने को मिल रही है। ये देखो 5,979 रुपीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको 5,381 देखने को मिल रही है, तो भाई ये कोई फिक्स MRP नहीं है।
तो बेस्ट होने वाला है इसमें आपको यूट्यूब का रेटियो देखने को मिल जाता है 16.9 का। इसके डिस्टेंस की बात करें कि आपकी वाल से और इसकी जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो 10 फुट का होने वाला है, जो गुड है फ्रेंड्स, इतना बैड नहीं है। अब जिन लोगों ने इसको बाई किया है उनका क्या फीडबैक है, तो अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाएगी जो ज़्यादा बेस्ट, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही बेस्ट है और इतनी बैड भी नहीं है, तो काफ़ी क्लियर आपको देखने को मिल जाता है, तो भाई बेस्ट है। ओके, और आपको काफ़ी इंजॉय आने वाला है। आप इस पर IPL देखते हो, क्रिकेट देखते हो या कोई मूवी देखते हो, आपको काफ़ी बेस्ट लगेगा फ्रेंड्स। ओके, ये देखो, ये कुछ आपको ऐसी पिक्चर्स क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ये देखो, ये कुछ ऐसा लाइट करता है जब आप इसको यूज़ करते हो। ये देखो, पिक्चर्स क्वालिटी कुछ ऐसी होने वाली है। तो अगर आप इसको स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए बाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और इतना बैड नहीं है। आप अगर इसको बाई करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम भाई यूज़ करने वाले हो, लाइक 3-4 ईयर तो यूज़ करोगे करोगे, और भी आप जितना कर सकते हो इतनी जल्दी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये वीडियो इतना ही है। तो अगर आपका कोई डाउट है कि भाई ये बाई करूं या कोई दूसरा बाई करूं, ओके, आपका कैसा भी कोई क्वेश्चन, कमेंट, क्यूरी कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स, मैं उसका आंसर वहीं पे करूंगा, अदरवाइज़ उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो कोई भी इग्नोर मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, मैं जल्द ही रियल अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, रियल अनबॉक्सिंग की वीडियो लाने वाला हूँ, बट आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। सो ऑल द बेस्ट, गुड लुक ऑफ ऑल, जय हिंद।